देवरिया से आदित्य नारायण मिश्र की रिपोर्ट ईद पर्व को मनाए जाने को लेकर पुलिस लाइन सभागार में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ डीएम एवं एसपी ने की बैठक। जिलाधिकारी श्री निरंजन ने आयोजित इस शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता के दौरान धर्म गुरुओं का आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी समाज के अगुवा हैं। लोगों को इस पर्व को संयम के साथ मनाए जाने हेतु प्रेरित करें। कोविड प्रोटोकॉल एवं कोरोना कर्फ्यू के अनुरूप मनाए जाए। किसी भी दशा में भीड़ न हो, जलसे आयोजित न हो, गले मिलने व हाथ मिलाने से बचा जाए। पुलिस अधीक्षक डा शून्य श्रीपति मिश्र ने कहा कि त्योहार को अपने घरों में रहकर मनाएं। यह पर्व कोविड महामारी के बीच मनाया जाना है। मस्जिद में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं करेंगे। उन्होंने सभी से तय दिशा निर्देशों का पालन किए जाने की अपेक्षा की। इस बैठक में उप जिलाधिकारी सदर सौरभ सिंह, प्रभारी एएसपी, क्षेत्राधिकारी श्रीयश त्रिपाठी, बिस्मिल्लाह लारी सहित मुस्लिम धर्मगुरु आदि उपस्थित रहे। आज किस तरह की मीटिंग हुई और कैसे इसको सफल संपन्न बनाएंगे? ईद उल फितर के त्योहार के अवसर पे त्योहार को सकुशल संपादित करवाने और एक सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखने के दृष्टिगत सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक आज पुलिस लाइन में हुई, जिसमें मेरे साथ आदरणीय पुलिस कप्तान महोदय भी रहे और मुस्लिम समुदाय के मस्जिद जन उपस्थित रहे। आप लोगों से विचार विमर्श करने के उपरांत अपील की गई है कि कोरोना कर्फ्यू और कोविड की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए एक सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद का जो पाक त्यौहार उसे मनाया जाए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सभी लोगों ने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा और एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा, जनपद में हम लोग अच्छा त्यौहार संपादित करेंगे।